नगर निगम प्रशासन बेसहारों और बरसात ठंड में बिना छत की गुजर बसर कर रहे लोगों के लिए पावर हाउस बस स्टैंड में रैन बसेरा खोला गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इसके बंद होने से बिना घर के गुजर बसर कर रहे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। गरीब परिवारों, बेसहारों और बाहर से आने वाले परिवारों को छत देने के उद्देश्य से नगर निगम भिलाई द्वारा रैन बसेरा आरंभ किया गया था। शुरुआती दौर में इसका लाभ भी जरूरतमंद लोगों को मिला, लेकिन पिछले लगभग 2 वर्षों से पावर हाउस स्थित बस स्टैंड में संचालित रैन बसेरे को बंद कर दिया गया है। इससे जरूरतमंद लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ठंड में जरूरतमंद बस स्टैंड के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। पूर्व में रैन बसेरे में रात गुजारने लोगों की आवाजाही बने रहती थी। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई नगर निगम द्वारा पावर हाउस बस स्टैंड, सुपेला जैसे कई क्षेत्रों में रैन बसेरा बनाया था, जिसमें से मुख्य रूप से रेलवे पावर हाउस बस स्टैंड को देखते हुए पावर हाउस बस स्टैंड के ऊपर एक रैन बसेरा बनाया था, जो कि आज वर्तमान में कागजी पन्नों पर सीमित बन के रह गया। आज उसका खामियाजा जो कि जनता के अलावा राहगीरों को भी भुगतना पड़ रहा है, उसी में से एक ऐसे रैन बसेरा के सामने में एक बुजुर्ग जो 70-80 साल का एक बुजुर्ग है, जिसे भिलाई नगर निगम के द्वारा ही उसको अवैध कब्जा रहने के चलते उनका मकान तोड़ दिया गया था। आज वो बुजुर्ग पावर हाउस बस स्टैंड के सामने में इस ठंड में रह रहा है, जबकि इस भीषण ठंड में, जबकि अगर रैन बसेरा रहता तो आज वर्तमान में उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं छत की उपलब्धि होती। परंतु ऐसे कई जगह आज रैन बसेरा ना होने के कारण कई यात्रियों को, कई राहगीरों को दर दर भटकना पड़ रहा है, और भिलाई नगर निगम के द्वारा केवल और केवल जनता के रुपयों की बर्बादी करने के लिए योजना बनाकर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिसका एक सच्चा उदाहरण भिलाई पावर और के रैन बसेरा को देखकर आप लगा सकते हैं। बहरहाल जरूरतमंद परिवारों को राहत देने रैन बसेरे का संचालन फिर से शुरू किए जाने की जरूरत है। नगर निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।